आप सभी का यहाँ पर आने पर हार्दिक अभिनंदन करते हैं, मीडिया के कर्मियों का और जितने भी हमारे संगठन खाद पंचायतों के लोग आए हैं सभी का, जितने भी यहाँ पहुँचे हैं खिलाड़ियों के समर्थन के लिए हम सबका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि ये लड़ाई एक कुश्ती को बचाने के लिए नहीं लड़ी जा रही है, भारत की बेटियों की लड़ाई लड़ी जा रही है, भारत की बेटी को बचाने की लड़ाई लड़ी जा रही है। और सबसे पहले मैं मीडिया को बताना चाहूँगा, कुछ लोग हमारे आंदोलन को एक बदलने का प्रयास कर रहे हैं, एक अलग दिशा में ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, तो मैं आप सभी को बोलता हूँ कि हम इस चीज़ का खंडन करते हैं। हम सिर्फ यहाँ न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं, भारत की बेटियों की लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं। तो इसमें बहुत सारे लोग ऐसे गुजरे हैं जो इस जो आंदोलन है इसको भड़काऊ करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ सिर्फ कुश्ती को बचाने के लिए आए हैं। और जो ये लोग हमारा समर्थन कर रहे हैं यहाँ पे, ये देश की बेटियों को न्याय दिलाने के लिए आ रहे हैं यहाँ पे, ना कि यहाँ कोई राजनीति रोटी सेकने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि राजनीति नहीं, बेटियों की इज्जत पहले है, राजनीति बाद में आती है, सारी चीज़ें बाद में आती है। जब बात बेटी की इज्जत और सम्मान की होती है तो सबसे पहले वो चीज़ होती है, ना कि राजनीति। इस पर राजनीति आप लोग ना करें तो अच्छा है। मैं आप सभी को यही बताना चाहूँगा, ये खिलाड़ियों का आंदोलन है, भारत की बेटियों को बचाने का न्याय दिलाने का आंदोलन है, इसको दूसरी दिशा ना दे, इसको किसी राजनीति प्रकरण से ना जोड़े। मेरा थोड़ा सा गला खराब है, तो मतलब मैं जितना बोल सकती हूँ उतना बोलने की ट्राई कर रही हूँ। आज ब्रजभूषण का एक बयान आया है कि हम नेशनल नहीं खेलना चाहते। मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहती हूँ, अगर आप मीडिया कर्मी लोग जो भी बोलेंगे सर्टिफिकेट दिखाने को, मैं वो भी दिखाने को तैयार हूँ। मैं 2009 से मैं रेसलिंग कर रही हूँ। पहला कॉम्पिटिशन मैं जब रेसलिंग का किया था 2009 में मैंने स्टार्ट किया था, तब से लेके आज तक मैंने 4 नेशनल स्किप किए हैं। रियो ओलंपिक में जब मेरे को चोट लग गई थी, पहला वो नेशनल था जो मैंने स्किप किया था, क्योंकि मेरे को चोट लगी हुई थी, मेरा ऑपरेशन था। दूसरा नेशनल मैं स्किप किया था टोक्यो के टाइम पे जब कोविड चल रहा था, वो जब उस साल तो देश की हालत बहुत खराब थी, मेरे को खुद कोविड हो रखा था, तो वो मेरा दूसरा नेशनल था जो मैंने स्किप किया था। तीसरा नेशनल टोक्यो ओलंपिक्स के बाद में जो मैं हारी थी, उसके बाद में मैं मेंटल स्टेट बहुत बुरी थी और मेरे को बहुत ज़्यादा परेशान करके इस स्थिति में लेके जाया गया था कि मैं एक दिन ऐसा हो रहा था कि मैं कभी भी मर सकती हूँ, खुद के साथ में कुछ भी कर सकती हूँ, इसी पोजीशन पे मैं बिठा रखी थी। चौथा नेशनल मैंने स्किप किया था इस साल, जो वर्ल्ड चैंपियनशिप के ट्रायल हुए थे, मैंने इतना रिक्वेस्ट किया था कि सर वर्ल्ड चैंपियनशिप के ट्रायल मत लीजिए, क्योंकि वो 10 दिन पहले वर्ल्ड चैंपियनशिप ओलंपिक के बाद में बहुत बड़ा कंपटीशन होता है, 10 दिन पहले हमारे ट्रायल लिए गए, एक महीने में 3 बार 4 बार हमने वेट कम किया। वर्ल्ड चैंपियनशिप में मैं गई, मैंने मेडल जीता, लेकिन मेरे को इंजरी हो गई थी नी में, सीरियस इंजरी थी, डॉक्टर ने 2 महीने का बिल्कुल रेस्ट बोला था। एक चौथा नेशनल वो था जो मैंने स्किप किया है मेरी लाइफ में। मैंने 2009 से 2023 आज आ गया है, 14 साल हो गए रेसलिंग करते हुए, 4 नेशनल स्किप किए हैं, 10 नेशनल मैं खेली हूँ। परमपिता परमात्मा पूरे देश के आशीर्वाद से आज तक मैं हिंदुस्तान में, ऐसा मेरे को पूरा दिन देखना नहीं पड़ा है कि मेरे को हार का मुंह देखना पड़े, और मैं चाहूँगी कि मुझे कभी ऐसा दिन ना देखना पड़े। ऐसे एथलीट मैं बहुत मेहनत करती हूँ, मेरा परिवार मेरे के लिए बहुत सपोर्ट करता है, आज तक करता आया है, पूरा देश बहुत दुआएं देता है, जब मुझे इंजरी होती तो पूरा देश रोता है, लोग आके बताते हैं कि बेटा उस दिन हम बहुत रोए थे। तो बहुत मेहनत करती हूँ, बहुत मान सम्मान की ज़िंदगी हम जीते हैं, पहले भी नेशनल खेलते आए हैं, आगे भी नेशनल खेलेंगे। हमारे जितने भी खिलाड़ी हैं जो मेहनत करते हैं सब डिजर्व करते हैं, और सभी का हक है, मेरा भी हक है, सभी का हक है। मैं कोई चैंपियन एथलीट नहीं हूँ, ना मैं बोलूँगी कि मैं बहुत बड़ी खिलाड़ी हूँ, मेरे से बड़े बड़े खिलाड़ी हैं इस हिंदुस्तान में भी हैं और पूरे देश में, पूरी दुनिया में हैं। हुसैन बोल्ट है हमारे, बजरंग मेरे से बड़ा खिलाड़ी है, ये भी ट्रायल दे के जाता, तो मेरी तो औकात ही क्या है कि मैं बोलूँ कि मैं बिना नेशनल खेले बिना ट्रायल दिए मैं जाऊँ। ऐसा कभी कोई ऐसी सिचुएशन नहीं हुई है कि मैंने हिंदुस्तान में पहले नहीं जीता उसके बाद में मैं विदेश में गई हूँ। कोई भी एक टूर्नामेंट अब ब्रजभूषण से बोलिए कि एक कागज वो सामने रखते हैं कि विनेश का उस टाइम पे ट्रायल नहीं हुआ था और बाकी सब का ट्रायल हुआ था, और विनेश तब ओलंपिक्स में गई थी। आप लोग जो बोलोगे वो मैं करने को तैयार हूँ। कोई भी खिलाड़ी देश से बड़ा नहीं है, देश के खिलाड़ियों का सम्मान जरूरी है,
वो सम्मान की लड़ाई हम लड़ रहे हैं बस। तो मैं आपको बस वही स्पष्ट कर रही हूँ कि जो नेशनल की बात वो कर रहे हैं, जो रूल बदलने की, वो बेबुनियाद है, झूठी है, हर तरह से वो हमें ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वही है जो मैं बोल रही हूँ आपको, ये बात नेशनल खेलने की नहीं है, बात सेक्सुअल हरासमेंट की है, भारत की बेटियों की है। ये नहीं कि भाई नेशनल नहीं खेल रहे वो खिलाड़ी, खेलना अलग हो गया, खेल अलग हो गया इस चीज़ से जब सेक्सुअल हरासमेंट हो रहा है। आप पे एलिगेशन लगे, आप उनका जवाब दीजिए। अब मैं आप मीडिया के माध्यम से एक सवाल पूछना चाहूँगा बृजभूषण जी से। उन्होंने बोला कि एक खिलाड़ी तो ऐसी है जो नाबालिग है और उसने बयान दिए हैं, उनको कैसे पता चला ये चीज़? सबसे पहला सवाल तो उनसे ये है, उनको कैसे पता चला कि एक नाबालिग है और वो उस कमेटी में बयान नहीं दिए, उसने पुलिस के सामने कंप्लेंट दी है? सबसे पहले मैं आप लोगों के माध्यम से ये सवाल बृजभूषण से पूछना चाहता हूँ, ये इन्फॉर्मेशन लड़कियों की कहाँ से लीक हुई है? कमेटी में कौन था और पुलिस में कंप्लेंट किसने दी है? ये सवाल मैं आप मीडिया के माध्यम से बृजभूषण से पूछना चाहता हूँ। ये लड़कियों की जो कॉन्फिडेंशियल चीज़ें थी, प्राइवेसी थी, वो कहाँ पे सुरक्षित है? बाकी तो आप सब क्वेश्चन सभी करोगे, तो मैं जो सभी से कहना चाहूँगी, जो भी यहाँ नहीं आ सकते वो अपने शहरों में सोशल मीडिया के थ्रू या फिर प्रदर्शन कर कर कैसे भी आप छोटा मोटा सहयोग हमारा दे सकते हैं। मैं सबसे हाथ जोड़ के उनसे ही अपील करती हूँ। और दूसरा, मैं सभी संगठनों का बार बार धन्यवाद करना चाहूँगी। किसान संगठन हुआ, महिला संगठन हुआ, सारी सरदारी हुई, स्टूडेंट्स हुए कॉलेजेस में, सारे कॉलेजेस में जितने स्टूडेंट्स यहाँ आ रहे हैं या अपने कॉलेजेस में प्रदर्शन कर रहे हैं, तो मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। जितने भी लोग हमारे देश में संवैधानिक पदों पर बैठे हैं, वो आम आदमी नागरिक का भी हक है मान सम्मान पाना, और जो ऊंचे पदों पर बैठे हैं उनका भी हक है। तो हम हर किसी की मान और सम्मान की इज्जत करते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। हम कभी ऐसी कोई बयानबाजी, कभी कोई ऐसा बोलेंगे नहीं कि उनके मान सम्मान को ठेस पहुँचे। लेकिन हम चाहते हैं कि हम खिलाड़ियों के भी मान सम्मान की उतनी इज्जत की जाए जितना हम बाकी सभी संवैधानिक पदों पर जो लोग बैठे हैं उनका सम्मान कर रहे हैं। तो हमारी तरफ से अगर बाई चांस अगर गलती से अगर कुछ निकलता भी है तो हम उसके लिए क्षमा मांगेंगे, क्योंकि हमारा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है। हम बहुत ही सभ्य समाज से आते हैं, हमें सबसे पहले यही सिखाया जाता है कि बड़ों की इज्जत, बड़ों का सम्मान कैसे किया जाता है। देखिए वो तो सब उस दिन भी उन्होंने बयान दिया था पहले जब जंतर मंत्र में बैठे थे कि 3% ही खिलाड़ी है, 97% मेरे पास है। अब वो बोल रहे हैं कि 10% बैठे हैं, 90% मेरे पास है। तो ये तो उनकी फालतू की बातें हैं। जो वो इन चीज़ों का जवाब दे जो हमने आपसे पूछे हैं, आपके माध्यम से पूछे हैं, कि जो हमने जो यो पे इंफॉर्मेशन लीक हुई है, वो बोल रहे हैं कि वो नाबालिग लड़की और साइड कमेटी में जब बयान हुए वो नहीं थी और पुलिस कंप्लेंट में वो आई है, तो वो ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से लीक हुई है? इनका जवाब बृजभूषण को देना होगा। और ये बेटियों के सम्मान की बात है, ये कुश्ती की बात है, ये नेशनल चैम्पियनशिप या बिना ट्रायल बाहर जाने की बात नहीं है। आज तक उन्हीं से पूछिए कि अगर कोई खिलाड़ी गया बिना ट्रायल के तो क्यों नहीं लिया आपने ट्रायल, ये उन्हीं से पूछिए ये चीज़ें, ना कि ये खिलाड़ी से पूछिए। क्यों देते हो आप खिलाड़ियों को फिर छूट? ये खिलाड़ियों का काम नहीं है, खिलाड़ी उनके ये नहीं बोलते कि मैं बिना ट्रायल जाऊँगा। आप क्यों देते हैं फिर उनको ट्रायल? लीजिए आप, साल में 2 ट्रायल होती हैं एशियन गेम्स के लिए, एशियन चैम्पियनशिप के लिए, वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए, दोनों ट्रायल हम दे के जाते हैं। आज तक कोई भी ऐसी ट्रायल हो जो नहीं दे के गए हो? देखिए रात को यहाँ पे हम 12:30 बजे लाइव भी आए थे कि यहाँ पे बिजली काट दी गई पुलिस प्रशासन द्वारा, पानी है, खाना है, अंदर नहीं आने दे रहे, गद्दे मंगवाए थे, बेड मंगवाए थे, तख्त मंगवाए थे, वो बाहर निकलवा दिए। जो वो वर्कर लेके आए थे उनमें से एक वर्कर अब तक घर नहीं पहुंचा है। पुलिस प्रशासन हर तरह से खिलाड़ियों के साथ गलत व्यवहार कर रहा है, दुर्व्यवहार कर रहा है।
तो ये सारी चीजें खिलाड़ियों को देखने को मिल रही है। देश के खिलाड़ियों का सम्मान है हमारे देश में। राजनीति से बढ़कर पुलिस प्रशासन जो दुर्व्यवहार कर रहा है, मुझे नहीं लगता कि इसमें ऐसा व्यवहार करना चाहिए। जो खिलाड़ियों को इतना मेडल जीते तब ऐसा होता है, तो फिर उसमें उन मेडलों का फायदा ही नहीं है कि हमने देश के लिए मेडल जीते हैं। कोशिश करते हैं कि ऐसा ना हो, लेकिन अगर लाइट नहीं है पूरा दिन हम थका रहे हैं और वही आप लोगों से बात कर रहे हैं, तो वो थोड़ा सा खाना पीना अच्छे से नहीं हो रहा है। सुविधाएं हमारे पास इतनी थोड़ी हैं, मच्छर काट रहे, इतने ज़्यादा मच्छर होते हैं रात को 12-12, 12:30 बजे तक। आप लोग भी इधर रहते हो, इंटरव्यू करते हो, तो बस वही है कि पुलिस प्रशासन को थोड़ा सा आम आदमी के हिसाब से देखना चाहिए। हमें एक अच्छा ट्रीट तो कर ही सकते हैं कि एक आदमी का जो अधिकार है, संवैधानिक देश में हम रहते हैं, तो इतना तो वो कर ही सकते हैं कि हमें लाइट पानी बिजली की तो सुविधा दे ही दी। एक मैं अपनी तरफ से बोलना चाहती हूँ कि एक और उन्होंने बयान दिया था कि खिलाड़ी मुझे विदेश भेजना चाहते हैं। हम कोई नहीं है विदेश भेजने वाले या कहीं पर भेजने वाले, उनके कर्म हैं जो उनको लेके जाएंगे। अच्छे कर्म करोगे तो ये देश आपको मान सम्मान देगा, गलत कर्म करोगे तो ये परमात्मा आपको सजा देगा, और वो सजा उसको मिलनी चाहिए। बस हमारा एक ही है कि हमें न्याय मिलना चाहिए। कल आप कह रहे थे कि हो सकता है पुलिस तैयार करेगी, आज आप लोगों ने FIR दे दिया है, ये प्रॉपर अकॉर्डिंग टू यू फोर्स वगैरह मिले? देखिए मैम, आशीर्वाद की बात मैं आपको बताती हूँ। हकीकत में जब हम नहीं देखते थे, मेरी शादी थी, मैं कार्ड नहीं दे रही थी, सामने से बोला अब मेरे को कार्ड नहीं दोगे। वो छोटी छोटी बातें, वो ज़बरदस्ती कार्ड लेते थे, अगर नहीं देते थे वो टॉर्चर करते थे कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम्हारी इतनी औकात, तुम हमें इनवाइट नहीं करोगे, ये उनके शब्द होते थे। हमारी मजबूरी थी, हमें रेसलिंग करना था। हम आज भी इसी बात पर डिग हैं कि बोल रहे आप इतने साल क्यों लगे बोलने में, हमारी मजबूरियाँ थी, नहीं बोल पाए हम। आज हम बोले हैं, आप सुनिए, हमें न्याय दिवाइए, हमारी यही दरकार है, हमारी यही एक आप लोगों से रिक्वेस्ट है। और एक बात और मैं बताना चाहूँगा, बिरज उसने अपने बयान में एक और चीज़ बोली है कि हर एक महीने बाद, दो महीने बाद एक नई लड़की ले आते हैं, हम नहीं लेके आते हैं। आपने कितनी लड़कियों के साथ किया, वो लड़कियाँ हिम्मत करके आगे आ रही हैं।